अस्सलाम वालेकुम आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के दो प्रॉब्लम्स और इसके अलावा एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे आइए शुरू करते हैं लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइन्स के इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इसके अलावा वो लाइन पैरेलल हो सकती है इस लाइन के और दूसरे पार्ट में वो लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है इस लाइन के स्टूडेंट समझने के लिए मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाकर बताता हूं फर्ज करें कि यह है हमारी लाइन वन और यह है लाइन टू अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें ये लाइन वन और ये है लाइन टू इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि ये है अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं? शाबाश ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं द आंसर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं। स्टूडेंट्स हम उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में आर्टिकल कि हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट से गुजरने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं लेकिन हमें उस फैमिली में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि पैरल हो इस लाइन के या परपेंडिकुलर हो इस लाइन के स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को एक दूसरे अंदाज में भी सॉल्व किया जा सकता है आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज ना करें अगर आपने इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेज नंबर 209 पर एग्जांपल नंबर थ्री का सोलूशन देख लें आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा कि इसे इक्वेशन ऑफ ऑफ फैमिली लाइंस के प्रोसेस से कैसे सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है दूसरा रास्ता इसका यह हो सकता है सॉल्व करने का कि हम लाइन वन और लाइन टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें यह जो पॉइंट होगा ये उस लाइन का पॉइंट होगा जो लाइन हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए ये पॉइंट उस लाइन का पॉइंट होगा इसके अलावा इस लाइन के पैरेलल होगी वो लाइन तो हमें इस लाइन की जी हमें इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप वही होगी जो कि इस लाइन की स्लोप है क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के मैं फर्ज करें यहां पर ड्रॉ कर देता हूं इस लाइन को किया कि ये है हमारी लाइन इसको अगर हम लाइन थ्री कह दें अगर मैं इसको लाइन थ्री कह दूं तो ये है लाइन थ्री और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और पैरेलल है लाइन थ्री के हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और दूसरे पार्ट में हमारी जो लाइन है ये रेड लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस लाइन के परपेंडिकुलर होने की सूरत में आप जानते हैं कि जो इस लाइन की स्लोप होगी वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाएगी यानी इस लाइन की स्लोप को हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की मैं इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं यानी पहले हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ लाइन होगा और बाद में हम इसकी स्लोप की मदद से इस रेड लाइन की स्लोप मालूम कर लेंगे पैरेलल केस में भी और परपेंडिकुलर केस में भी यह है हमारा थिंकिंग प्रोसेस आइए सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं लेट लाइन वन मैं नाम दे रहा हूं इन्हें ताकि हम रेफरेंस दे सके एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो लाइन टू है हमारे पास सेवन एक्स प्लस वाई प्लस ट्वेंटी ज इक्वल टू जीरो और लाइन थ्री हम कह रहे हैं इसे सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट्स हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है लाइन वन और लाइन टू का एज हम यहां लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू सो फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर में एक नया प्रोसीजर बताया था जिसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर का स्टूडेंट्स आपको वो भी समझ आ चुका है और इसके अलावा आप पहले कंपेरिजन मैथड और एलिमिनेशन मैथड method ये मैथड्स भी जानते हैं आपकी मर्जी है जो मैथड आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं यहां पर अगर हम लाइन वन और लाइन टू को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेज को एड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू हम किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी सो so, हम यहां पर एड कर लेते हैं दोनों क्वेश को लाइन वन प्लस लाइन टू लाइन वन और लाइन टू हम बेसिकली इन दो इक्वेशन को नाम दे रहे हैं और इन दोनों से बनने वाली लाइन को भी हम यही नाम दे रहे हैं लाइन वन और लाइन टू एल वन और एल टू मैं दोनों को एड कर रहा हूं लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट right साइड में राइट साइड एक्स माइनस वाई माइनस फोर प्लस सेवन एक्स प्लस वाई स ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो अब यहां पर कैंसलेशन हो रही है माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल एक्स प्लस सेवन एक्स विल बी एट एक्स और माइनस फोर प्लस ट्वेंटी विल बी सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन बाई एट माइनस सिक्सटीन बाई एट आप समझ गए ये आ गया हमारे पास माइनस टू ये एक्स की वैल्यू आप किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें पुटिंग इन लाइन वन माइनस टू माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा लेकिन ये माइनस फिर दोबारा उसे नेगेटिव कर देगा यानी वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोबारा सुन लें, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव सिक्स लेकिन ये माइनस उसे नेगेटिव सिक्स बना देगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बन रहा है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफैक्ट हमारी रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट आ गया अब स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए अब हमें बताया गया है कि रिक्वायर्ड लाइन पैरल भी हो सकती है इस लाइन के और परपेंडिकुलर भी हो सकती है इस लाइन के इसका मतलब है कि हमें इस लाइन की स्लोप मालूम करनी चाहिए अब इस लाइन की स्लोप आप जानते हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में गिवन हो तो हम बासानी स्लोप मालूम कर सकते हैं हमारा कंसेप्ट क्या है माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड ऑफ वाई So, हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन थ्री आप इसे एम थ्री से डिनोट कर सकते हैं लाइन थ्री तो एम थ्री इस लाइन की स्लोप होगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई याद रखिए कि यह फॉर्मूला यूज करने के लिए लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए या कम से कम एक्स और वाई वाली टर्म्स इक्वल के एक जानव जरूर हो अगर आपने सिर्फ स्लोप मालूम करनी है हमारे पास स्लोप आ गई माइनस सिक्स अब स्टूडेंट्स हम यहां पर ए पार्ट स्टार्ट करते हैं ए पार्ट में था कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल अब रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरल है तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप भी यही होगी हम यहां पर दो बातों का जिक्र कर लेते हैं हम यहां लिखते हैं पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन चूंकि रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्शन से गुजर रही है उन दो लाइंस के तो पॉइंट आ गया माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be minus 6. Reason line is parallel. अब हमारे पास point of required line आ गया slope of required line आ गई हमें कौन सा formula use करना चाहिए The answer is point slope formula. Using point slope form. Y minus Y one is equal to M into X minus X one. Putting values Y minus minus six M key value minus six X minus minus two Y plus six minus six X minus minus plus उसके बाद माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई होकर दोबारा माइनस ट्वेल्व अब इक्वल के एक साइड पर ले आते हैं तमाम टर्म्स सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा एटीन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन के जब लाइन पैरेलल होगी अब स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर केस देखते हैं बी रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दोबारा इसका तस्करा कर लेते हैं माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, के जिसकी स्लोप माइनस सिक्स है तो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी इस लाइन के उसकी स्लोप क्या होगी द आंसर इज इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी उस लाइन की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस वन ओवर सिक्स और नेगेटिव लेने से आंसर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव सो so, हम लिखेंगे यहां पर वन बाय सिक्स यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन y minus minus six one by six x minus minus two minus minus plus one by six x plus two अब ये six दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इट will बिकम six y plus thirty six x plus two तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ये बन जाएगा x माइनस सिक्स वाई थर्टी सिक्स दूसरी तरफ जाकर सब्टैक्ट होगा माइनस थर्टी सिक्स टू माइनस थर्टी सिक्स विल बी माइनस थर्टी फोर इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स हम इस सॉल्यूशन को अब विजुलाइज भी कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन में पहले हम प्लॉट करेंगे लाइन वन और लाइन टू ये थी स्टूडेंट्स हमारी लाइन वन की इक्वेशन किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे क्या होता है द आंसर इज हमें उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लेना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो पुट करते हैं ये हमने दोनों इंटरसेप्ट मालूम किए दोनों इंटरसेप्ट को लोकेट किया दोनों को ज्वाइन किया ये हमारे पास आ गई लाइन वन अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर हमने लाइन टू के एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम किए और ये हमने लाइन टू के एक्स और वाई इंटरसेप्ट को लोकेट करके ज्वाइन कर दिया ये हमारे पास आ गई लाइन टू स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है माइनस टू कॉमा स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं हम उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जांपल थ्री पेज नंबर टू जीरो नाइन पर सोल्यूशन देखें तो वो इक्वे ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के कंसेप्ट से सॉल्व किया गया है वहां पर मैंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया क्योंकि ये सिंपल है आपको ईजी टू अंडरस्टैंड है अब स्टूडेंट्स लाइन थ्री भी हम प्लॉट कर लेते हैं लाइन थ्री का एक्स इंटरसेप्ट हमने मालूम किया वाई इंटरसेप्ट मालूम किया दोनों को लोकेट करके ज्वाइन किया ये हमारे पास आ गई लाइन थ्री हमारी रिक्वायर्ड लाइन पहले केस में इस लाइन के पैरल हो सकती है और दूसरे केस में इस लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन पहले केस में कि के जब पैरेल होगी लाइन थ्री के और ये हमारी दूसरे केस में लाइन के जब लाइन परपेंडिकुलर होगी ये स्टूडेंट्स हमने इस सॉल्यूशन को विजुलाइज कर लिया इस सॉल्यूशन को आपने इस तरह से अपने एग्जाम्स में या नोटबुक में जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में इसे प्लॉट करें ये सिर्फ और सिर्फ और आपका क्लियर करने के लिए मैंने आपको विजुलाइज करवाया आपके लिए सिर्फ यही रिक्वायर्ड है कि आप थिंकिंग प्रोसेस के लिए रफ डायग्राम बनाकर सोच लें और अपना सॉल्यूशन प्लान कर लें जिस तरह के मैंने आपके साथ स्टार्ट में किया था आइए देखते हैं इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट स्टूडें दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर टू स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आसान अल्फाज में हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इसके अलावा उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है स्टूडेंट्स मैं इस प्रॉब्लम को आपको विजुअलाइज करवाता हूं ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन सबसे पहले हमने लाइन वन और लाइन टू को प्लॉट करना है आप जानते हैं कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से लाइन्स को प्लॉट करते हैं ये हमने लाइन वन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया और दोनों को लोकेट करके ज्वाइन कर दिया ये हमारे पास आ गई लाइन वन इसी तरह से हमने लाइन टू का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया और दोनों को एक्स वाई प्लेन में लोकेट करके ज्वाइन कर दिया ये हमारे पास आ गई लाइन टू अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं हम उस फैमिली ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं हमें इस फैमिली ऑफ लाइंस में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के इक्वल होने से मुराद ये है कि अगर उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वन हो तो वाई इंटरसेप्ट भी वन हो मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ लाइन्स दिखाता हूँ जिनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होता है स्टूडेंट्स ये हमने लाइन वन और लाइन टू को हटा दिया ये हमारी है एक लाइन जिसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बराबर है यानी एक्स इंटरसेप्ट भी वन है और वाई इंटरसेप्ट भी वन है इसी तरह से ये एक और लाइन ये एक और लाइन और ये हम इस तरह की बेशुमार इनफैक्ट इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसका जिनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बराबर होता है हमें इन इनफाइनाइट लाइंस में से मैंने आपके सामने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं डेफिनेटली मैं आपके सामने इन फाइनाइट लाइन्स ड्रॉ नहीं कर सकता हूं हमें उन इनफाइनाइट लाइन्स में से उन लाइन्स की या उस लाइन की इक्वेशन चाहिए कि जो लाइन वन और लाइन टू के इंटरसेक्शन से गुजर रही हो और एक्स और वाई इंटरसेप्ट उसका इक्वल हो स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन अब किस तरह से करेंगे हमें पहले तो लाइन वन और लाइन टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेना चाहिए एक रास्ता तो वो है कि आप फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज करें और फिर आप इसे सॉल्व करें लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए आसान है कि आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स आप लाइन वन और लाइन टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें इसके बाद हम पॉइंट्स लो फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट्स लोफ फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास हालांकि स्लोप नहीं होगी हम पॉइंट्स लो फार्मूला यूज करते हुए एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर एम अननोन होगा पॉइंट हमारे पास उसमें पुट हो चुका होगा एम अननोन होगा हम उस इक्वेशन को सामने रखते हुए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे उन दोनों इंटरसेप्ट को हम इक्वलाइज कर देंगे इक्वलाइज करने से हमारे पास एम की वैल्यू आएगी वो एम की वैल्यू हम वापस लाकर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ चुकी होगी आइए सोल्यूशन देखते हैं मैं इस लाइन को लाइन वन और इस लाइन को लाइन टू कह रहा हूं लेट एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो लाइन टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई सेवन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स हमें इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हम यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब जरा देखें कि हम किस तरह से इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान शाबाश जी हम अगर लाइन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लाइन टू को सब्टैक्ट कर दें थ्री एक्स थ्री एक्स से कैंसिल हो जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी हम यह लिखते हैं थ्री एल वन माइनस एल टू थ्री से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट लाइन को थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड लाइन इसमें से सप्रैक्ट कर देते हैं थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं ये हमारे पास कैंसलेशन सिक्स वाई माइनस फोर वाई विल बी टू वाई नाइन माइनस सेवन विल बी टू इज इक्वल टू जीरो टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यहां से y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई माइनस वन पुटिंग इन इसे किसी एक लाइन में पुट कर देते हैं पुटिंग इन एल वन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री विल बी प्लस वन और एक्स की वैल्यू भी आ गई माइनस वन सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया माइनस वन कॉमा माइनस वन स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास स्लोप नहीं है लेकिन हम यूज कर रहे हैं स्लोप हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं वाई माइनस माइनस वन एम इंटू एक्स माइनस माइनस वन वाई प्लस वन एम एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एम अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई एक इक्वेशन इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे जनरलाइज़ फॉर्म में ले आते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इसे नाम दे दें वन का स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई उस लाइन की इक्वेशन लेकिन अभी हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है अब स्लोप की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस बात को बेस बनाएंगे कि ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है एक्सिस पर अब हमें इंटरसेप्ट इसके मालूम करने हैं आप जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम वाई को जीरो पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम एक्स को जीरो पुट करते हैं अब हम हेडिंग देंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट हम यहां लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू जीरो y को जीरो पुट कर रहा हूं मैं एम एक्स माइनस जीरो प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है ये दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा वन माइनस एम और ये m डिवाइड करेगा वन ऐड हुआ एम सब्ट्रैक्ट हुआ और इस एम ने जाके उसे डिवाइड कर दिया ये हमारे पास आ गई एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स को अब मैं जीरो पुट कर रहा हूं यहां पर जब मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा तो एम इंटू जीरो विल बी जीरो माइनस वाई प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो टर्म फारिक एम की सॉरी वाई की वैल्यू आ गई एम माइनस वन ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ये वाई इंटरसेप्ट हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं वन माइनस एम ओवर एम इज इक्वल टू एम माइनस वन ये एम दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वन माइनस एम इज इक्वल टू एम स्क्वेर माइनस एम अब माइनस एम माइनस एम से कैंसिल हो रहा है हमारे पास आ गया एम स्क्वेर इज इक्वल टू वन एम स्क्वाज इक्वल टू वन अब क्या करेंगे आंसर इस स्क्वेयर रूट लेंगे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी एम की वैल्यू हमारे पास दो आ जाएंगी प्लस वन और माइनस वन ये हमारे पास दो एम की वैल्यूज आ गई एम की दो वैल्यूज शो कर रही है कि हमारे पास दो लाइंस बनने जा रही हैं। हम ये एम की दो वैल्यूज बारी, बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं पुटिंग इन इक्वेशन वन हम पहले लिखेंगे एम इज इक्वल टू वन एम की वैल्यू वन हम पुट कर रहे हैं वन इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास वन और माइनस वन कैंसिल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गई एक इक्वेशन आप इस इक्वेशन को आसान अंदाज में वाई इज इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन होती है कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू बराबर रहती है अब स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू हम माइनस वन पुट करते हैं एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन इन एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब यहां पर हमारे पास आ गया माइनस एक्सप माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई स्टूडेंट्स अब हम यहां पर कंक्लूड करेंगे हम लिखेंगे हेंस देयर आर टू लाइंस हूज X and Y intercepts are equal and are passing through intersection of given lines. Equations are इन दोनों इक्वेश्स को हम कंक्लूड कर लेते हैं आखिर पर दोबारा लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ यह आंसर आखिर पर गिवन है स्टूडेंट्स

लेकिन ये हमारे पास दो लाइंस आ चुकी हैं ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट लाइन को प्लॉट किया कौन सी लाइन जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो बाइसेक्ट करती है ये एक ऐसी लाइन होती है कि जिसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल रहती है आप देख सकते हैं कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो है चूंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है, यानी दोनों इक्वल हैं, और इसके अलावा प्लॉट करते हैं दूसरी लाइन की एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स हमने इस लाइन को भी प्लॉट कर दिया आप देख सकते हैं कि इसके भी दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं और यह लाइन भी उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी माइनस वन कॉमा माइनस वन से गुजर रही है यानी दो लाइंस बन रही हैं इस गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे दोनों आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। students हैं आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री की जानिब स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर थ्री स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स आसान अल्फाज में हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइन्स के इंटरसेक्शन और इन दो लाइन्स के इंटरसेक्शन से गुजर रही है मैं आपको फिर भी बता देता हूं थोड़ी सी तफसील अगर हम इसे कहें लाइन वन और इसे कहें लाइन टू यह है लाइन थ्री और यह है लाइन फोर लाइन वन और लाइन टू अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास लाइन वन और ये फर्ज किया गया हमारे पास है लाइन टू हम देख रहे हैं सिंकिंग प्रोसेस हम अपना सोल्यूशन प्लान कर रहे हैं ये इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी तरह से लाइन थ्री और लाइन फोर अगर हम फर्ज करेंगे ये है हमारे पास लाइन थ्री और इस तरह से ये है लाइन फोर ये हमारे पास इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये लाइन वन और लाइन टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है यानी अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है स्टूडेंट्स क्या बनता है प्लान शाबाश क्या आप लाइन वन और लाइन टू दोनों इक्वेशंस गिवन हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं द आंसर इज यस हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप पॉइंट वन का नाम दे दीजिएगा और इसी तरह से लाइन थ्री और लाइन फोर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम कर लीजिएगा और इसे पॉइंट टू का नाम दे दीजिएगा जब आपके पास एक लाइन के दो पॉइंट्स आ चुके हों तो उस लाइन की आप इक्वेशन नहीं लिख सकते द आंसर इज लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ अगर हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों तो जो डायरेक्ट फार्मूला आपके जेहन में आना चाहिए वो है टू पॉइंट फार्मूला आप टू पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन देन लिखेंगे अगर आपको टू पॉइंट फार्मूला ना आता हो तब आप क्या कर सकते हैं द आंसर इज अगर हमारे पास किसी लाइन के दो पॉइंट्स मौजूद हों तो उन दो पॉइंट्स की मदद से हम उस लाइन की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं अब स्लोप को साथ मिलाकर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को हम यूज करेंगे और पॉइंट स्लो फार्मूला की मदद से भी हम लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन आप इस प्रॉब्लम को होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स और कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट के बाद इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज